वीर, वीर तुम्हें अपनी माई का वास्ता, अभी इसी वक्त हीर को अपना लो। फिर तुम्हें यश से डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी मांग में जो भरा वो सिर्फ लाल रंग नहीं है बल्कि जिंदगी भर की कमिटमेंट है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन पर ऐसे हाथ से असर नहीं करते, और आज रात वीर ने तुम्हारे साथ ऐसा ही रिश्ता कायम किया है। तुम सुन रहे हो ना? हाँ, हीर इस रात को बहुत जल्दी भूल जाएगी, ये मेरा हीर से वादा है। वादा तो ये भी है कि यश इस रात को जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। अपनी हरकत के लिए वो जिंदगी भर पछताता रहेगा। हीर की जिंदगी में वापस आने के लिए वो आखिरी सांस तक खुद को कोसता रहे। And I will make sure he does that. माई, तुम हीर के साथ बैठो, मैं यश की खबर लेके आता हूँ। ज्यादा उसके मुंह लगने की जरूरत नहीं है वीर। उससे अपने और हीर की शादी की खबर तो सुनाओ। Listen, be careful, okay? आओ वीर आओ। भाई तुमने छोटे भाई होने का फर्ज बखूबी निभाया। अपने बड़े भाई की बीवी को समझा बुझाकर वापस उसके पास ले आए। थैंक यू वेरी मच। पहले इंसान बन जा, फिर किसी का भाई बनना। इंसान वीर, आजकल जानवर बनने का फैशन चल रहा है, इंसान तो आउटडेटेड हो गया। खैर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बीवी को समझा बुझाकर सही सलामत मेरे पास वापस लाने का। तुम्हारी बीवी ऋचा ठाकुर है। ऋचा? कौन ऋचा? किस जमाने की बात कर रहे हो तुम वीर? कौन सी दुनिया के होते हैं जहां जमाने के साथ रिश्ते बदलते हैं? चाहे तुम किस भी दुनिया के, तुमने मेरी जिंदगी में, मेरी दुनिया में इंटरफेयर करने की कोशिश की। मेरी होने वाली बीवी के साथ तुम। शट अप वीर। तुम्हारी होने वाली बीवी? हीर आज भी मेरी बीवी है। अरे पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो वीर, फिर मेरे कलर पकड़ना। शर्मानी चाहिए तुम्हें। मेरी बीवी पर नाजायज कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो, और जो बर्ताव तुमने हीर के साथ, वो बर्ताव कोई अपनी बीवी के साथ नहीं करता। रिलैक्स, ऑलराइट। एक बीवी के साथ क्या बर्ताव करना चाहिए, ये एक पति तय करता है, और मैं हीर का पति हूं। किसी बाहर वाले को यह हक नहीं बनता कि वो मियां बीवी के मामले में अपनी टांग अड़ाए, समझे? हीर तुम्हें अपना पति नहीं मानता क्योंकि तुम ऐसा चाहते हो। तुम ऐसा चाहते हो, मेरी गैरहाजिरी का फायदा उठाकर तुम मेरी बीवी को गुमराह करना चाहते हो। लेकिन नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। आई एम बैक। मैं देखता हूं कि मेरे और हीर के बीच में अब कौन आता है। मैं देखता हूं तुम हीर तक कैसे पहुंचते हो। We'll be right back.
फकीर के साथ इंसान ऐसा नहीं होगा। यश को दूसरी भाषा में सिखाना पड़ेगा। यश दीवान, यश कहाँ गया? ठीक कहा था तुमने, यश से अगली बात दूसरी भाषा में ही होगी। जी हमें FIR दर्ज करवानी है। आप तीनों को या सिर्फ इन्हें? सिर्फ इन्हें। नाम? हीर दीवान। बाप का नाम? स्वर्गीय देव मलिक। ओ, मतलब ये शादीशुदा है। पति का नाम? मैं तुम्हारा पति हूँ हीर। आपके पति का नाम क्या है? हीर, हीर बोलो हीर, प्लीज। You got to speak, okay? किसी ने कोई जुर्म किया है? आप क्या रिपोर्ट दर्ज करवाने आई है? क्या जुर्म हुआ आपके साथ? अरे कुछ तो बोलिए। चोरी हुई है, डाका डाला है किसी ने? अरे हुआ क्या है आपके साथ, वो तो बोलिए। मेरा बहिष्कार हुआ है, मेरे सास मेरे और चार बेटों का किसी ने मेरा रेप किया है। रेप मी। पर हंसी भी जल्दी आ जाएगी। I promise। तुम भी बैठ जाओ। नहीं वीर, आज तुम लोग जाओ। माही, हीर को तुम्हारी जरूरत। वीर, मैं चाहती हूँ कि तुम हीर की जरूरत बनो। और वैसे भी ऐसे मौकों में एक औरत को दोस्त की नहीं, एक पति की जरूरत होती है। मेरा क्या? आज की रात मुझे भी एक दोस्त की जरूरत। कांग्रेचुलेट मी वीर, कम ऑन, कांग्रेचुलेट मी। यू नो व्हाट, आखिर आज मेरा डिमोशन हो ही गया। मैं और आज से हम सिर्फ दोस्त हैं, है ना? देखो, माही और वीर कभी भी। प्लीज, प्लीज वीर, एक सांस में एक साथ तुम्हारा और मेरा नाम लेना पड़ता तो। देखो ना, ना तुम्हें पता चला, ना मुझे पता चला, ना इस रात को, कि जो हमारा रास्ता था वो हालात ने अलग अलग रास्तों में चीर दिया है। और धीरे धीरे हम भी अलग हो जाएंगे। इसलिए मेरे वीर की हैसियत से नहीं, बस एक दोस्त की हैसियत से इन आंसुओं को इंपॉर्टेंस देना तुम। प्लीज, प्लीज, अब तुम्हारी और मेरी कोई बात नहीं। प्लीज, तुम पुराने सपनों को दफन करके
आज की रात की हकीकत का साथ निभाओ। तुम्हें ही का ख्याल रखना है ताकि वो यश दीवान तुम लोगों को फिर से परेशान न करे। तुम कल हीर से शादी कर लेना, ओके? मैं जाकर भाजी और बड़ी माँ को कन्विंस करती हूँ शादी के लिए। तुम्हारी और पी की शादी कल पक्की, ओके? यू नो व्हाट? इन आंसुओं से कहा था कि थोड़ी देर बाद मिले, पर मुझे मिले न रहे। इन आंसुओं को तुम्हारी आदत छूटते छूटते छूटेगी। दिल दिया गल्ला, दिल ही जाने। मुझे बहुत लड़ाई करनी है और न जाने देखना है कोई रब जाने क्या हाल हो जाए, बिछड़ जाए जब कोई। ऑफिसर, मेरी समझ नहीं आ रही, अगर आपने एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और हाईवे पर नाकाबंदी कर दी है तो आखिर यश दीवान गया कहाँ? देखिए, मुझे आपकी कोशिश, आपकी काबिलियत पे कोई शक नहीं, मगर यश दीवान की चालाकी पर है। वो बहुत ही चालाक, बहुत ही शातिर आदमी। देखिए, उसे थोड़ा सा भी मौका मिला तो उस मौके का वो भरपूर फायदा उठाएगा, और मैं नहीं चाहता कि इतना बड़ा क्राइम करने के बाद ऐसा क्रिमिनल एस्केप हो जाए। जी जी, देखिए, अगर आपको मेरी मदद की जरूरत हो तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। जस्ट फोन कॉल अवे। But please do something. Thank you. एक बात का इत्मीनान रखना वीर, हम कुछ ना भी करें पर ऊपर वाला उसे नहीं बख्शेगा। लेकिन ऊपर वाला चाहता है कि हम नीचे वाले उसकी कुछ तो मदद करें। मैं अपने सोर्सेस से उसका पता लगाने की कोशिश करूं। इस शहर से बाहर पुलिस उसे जाने देगी, और इस शहर में उसके छिपने की ऐसी कोई जगह नहीं है जो मुझे नहीं पता। है तो इसी शहर। तो फिर यूं समझ लेना, उसकी मौत इसी शहर में लिखी है। जितने गुस्से में मैं हूँ, उतनी नाराज तुम नजर नहीं आ रही। उसने मेरे साथ उतना बुरा नहीं किया जितना कि हीर के साथ किया। तुम्हारा गुस्सा उबल रहा है, लेकिन मेरा गुस्सा ठंडा हो चुका है। और जब गुस्से में धीरज आ जाता है ना, तो वो बहुत ही खतरनाक हो जाता है। मैं यश का सर्वनाश करूंगी, पर धीरे धीरे। जैसे आदमी पर मरना भी नहीं चाहिए, और वैसे आदमी को जिंदा भी नहीं रहने देना चाहिए। चल जाता कि पहले वो मुझे छोड़कर तुमसे शादी करने चला गया था, तो मैं उसकी जिंदगी में वापस आती ही नहीं। या काश मुझे पता चल जाता कि वो तुम्हें छोड़कर मुझसे शादी करने चला आया है, तो मैं उससे शादी करती ही नहीं। हम दोनों में से कोई एक तो बर्बाद होने से बच जाता। काश ऐसा होता, काश वैसा होता। काश मैं शायद तुम दोनों में से किसी एक की जिंदगी बच जाती, मगर किसी तीसरी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। गुनाह हालात का नहीं, गुनाह प्यार का नहीं, गुनाह है यश का, और उसे अपने गुनाह की सजा मिलनी चाहिए, है ना हीर? ये बिल्कुल गुमसुम सी हो गई है, ना कुछ बोल रही है और ना ही इसने मेरी कोई बात सुनी है। जिंदगी मानो जैसे इसके हाथ से छूट सी गई है। जो छूटता उसे छूट जाने दो, मेरी जिंदगी है ना, कल से ही मेरी जिंदगी जिएगी।
फिर कल हमारी शादी है, सारी रस्में कल हो जाएंगी। माही ने तो तैयारियां भी शुरू कर दी, सारे अरेंजमेंट्स हो जाएंगे, तो फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। डैड, 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 मैं यहां हूं। और तुम दोनों का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हीर, तुम्हें नहीं लगता कि यह शर्म की बात है कि तुम रात रात भर घर से बाहर रहने लगी हो? डैड, ही रात को मेरे साथ थी। किस हक से तुम्हारे साथ थी है? डैड, तुम दोनों की शादी तो नहीं हुई है ना, तो अपने बाप का कुछ मान, इस घर की कोई मर्यादा रखी जाएगी या नहीं? डैड, आपके मान और इस घर की मर्यादा पे कोई ठेस नहीं पहुंची। तो ये लाल रंग क्या है? मैंने और हीर ने रात को शादी कर ली। जो बाकी रस्में वो ख्वाजा पूरी करवा दीजिए। पहली रस्म तो मैं पूरी कर देता हूँ। जब तुम जानती थी कि तुम्हारा पहला पति जिंदा है, तुमने किसी और से अपनी मांग कैसे भरवाई? शट अप राज, तुम जानते थे कि यश जिंदा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हीर की मांग में सिंदूर भरने की? आपको कैसे पता कि यश जिंदा? वो मेरा बड़ा बेटा है, तुम्हारा बड़ा भाई और हीर का पति। वो बदनसीब को ना मैं अपना पाया, ना तुमने अपनाया, और अब मैंने सुना है कि हीर भी उसे अपनाने से इनकार कर रही है। यश के साथ ये नाइंसाफियां कब तक होती रहेंगी? जब वो पैदा हुआ तो उसका बदनसीब बाप उसे नाम तक नहीं दे सका। फिर उसकी मां ने अपनी जिद में आके अपने जिंदा बेटे का क्रियाकर्म करवा दिया। अंडरवर्ल्ड के दबाव में आकर किसी ऋचा शर्मा नाम की लड़की से उसे शादी करनी पड़ती है, ताकि तुम पर, मुझ पर और हीर पर कोई तकलीफ ना आए। वो अकेला हम सबसे दूर ये मुश्किलें झेलता है। जब वो वापस आता है तो उसे उसके साथ क्या सुलूक किया जाता है? बड़ी शर्म की बात है कि तुम दोनों ने जाकर उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी, और पुलिस चारों तरफ उसकी तलाश में है। नहीं, इसकी माफी मैं तुम दोनों को कभी नहीं दूंगा। इन्हें माफ कर दीजिए पिताजी, प्लीज, मेरी खातिर इन्हें माफ कर दीजिए। तो आपने इसे यहां छुपा रखा? यू राज, तुम्हारा बड़ा भाई है राज। लानत है मुझ पे अगर ये मेरा बड़ा भाई है तो। आपकी इस नाजायज औलाद ने इतना बड़ा नाजायज काम किया कि मैं आपको क्या बताऊं? इनका तुमने किए वीर वो, इस पर तुम्हें, मुझे और इन्हें हमारे पिता को नाज होना चाहिए। नहीं वीर, जो हरकत तुमने की है उस पर मुझे ही नहीं तुम्हारे अपने पिताजी को शर्म आ रही। जब मैं यहां नहीं था तब बात कुछ और थी। तब तुम्हारे यहां और हीर के बीच में क्या हुआ होगा उससे आज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज जब तुम जानते हो कि तुम्हारा ये बड़ा भाई जिंदा है, तब भी तुम उसकी ब्याहता बीवी पे हक जताना चाहते हो? जाओ और ये कहानी दुनिया वालों को सुनाओ और देखो कि वो लोग लानत किस पर डालते हैं। तुम्हारी कहानी में चार दिन पुरानी बीवी को एक अनजान देश में छोड़ के गायब हो जाना और फिर नाम बदल के ऋचा शर्मा से शादी करना भी होगा। अरे उसकी कुछ मजबूरियां थी, उसका तुम्हें कुछ पता है? छोड़िए ना पिताजी, जाने दीजिए, क्यों अपना दिल जला रहे? इसे कहां सूट करता है ये जानना कि इसके बड़े भाई की कुछ मजबूरियां थी। इसे तो सूट करता है किस तरह मुझे बद से बदतर साबित कर सके, खुद हीरो बन जाए और मुझे खलनायक बना दे, है ना? और फिर बड़ी आसानी से हीर को अपना सके। तुम अपनी और मेरी बात छोड़ो,
होगा वही जो हीर का फैसला होगा। राज, यहाँ तो औरत से उसकी मर्जी नहीं पूछी जाती। शुरुआत से मैंने यश के साथ बहुत नाइंसाफी की है, लेकिन अब नहीं, उसे वो सब मिलेगा जो उसका हक बनता है। आपके इस गिल्ड में मैं हीर की बलि नहीं चढ़ने दूंगा। नाजायज औलाद के प्यार में आपको और नाजायज नहीं होने दूंगा। प्लीज सवाल को लगाम दो, आपसी बात करना सीख लो। और ये मत भूलो, जिस औरत के बारे में तुम बात कर रहे हो वो आज भी मेरी बीवी है। चार दिनों साथ मेरे रहने के बाद तुम्हारी बीवी होगी। मैंने हीर की जिम्मेदारी ली, उसकी खुशियों की, उसकी आंसुओं की, जिंदगी भर उसका साथ निभाने की, उसकी रक्षा करने की कसम खाई, वादा किया किसी से, और उस वादे का मंगलसूत्र आज मैं तुमको और मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम यश के पास जाओ। यश, तुम अपनी बीवी को अपने साथ ऊपर लेकर जाओ। जी डैड, जैसा आप कहें। ये मेरा घर है, जो मैं चाहूंगा वही होगा। मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं, और होगा ये कि पुलिस आएगी और आपके लाडले बेटे को गिरफ्तार करके ले जाएगी, क्योंकि जो पाप इसने किया उस पाप की से सजा मिलनी ही चाहिए। इसका बचना बहुत मुश्किल है, कोशिश करके देख लीजिए आप, अगर बचा सकते हैं तो। मैं देखता हूं कि मेरे बेटे का कोई क्या बिगाड़ता है। मुझे ऊपर वाले के इंसाफ पे पूरा भरोसा है। मैं वापस आऊंगा, मेरा इंतजार कर लो। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।